सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉगर्स। अब करने वाले हैं डिक्लेयर गेम का ट्यूटोरियल और फिर हम आपको बताएंगे आप उसे कैसे खेलना है। तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ऑल पे प्रेस कर देना। और लाइक 100 लाइक्स का टारगेट है, 100 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी कंप्लीट कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ट्यूटोरियल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस चलो हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लेयर 1 की चीट्स, प्लेयर 2, प्लेयर 3 और ये प्लेयर 4 की जो चीट्स है मैंने ऐसे नेम करके लिख ली है। और यहाँ पे मैंने प्लेयर 1, 2, 3, 4 के पॉइंट्स लिखे हैं ताकि सारी गेम के बाद हम यहाँ पे उनके पॉइंट्स लिख सकें। ये है मेरे पत्तों के गाइड। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्टली हमें ये गेम में करना होता है कि हमें हमारे पॉइंट्स कम करने होते हैं। तो जैसे कि हमने पत्ते बांट दिए और कि आप में बादशाह आया, रानी आई, तो वो सब पहले निकाल देने क्योंकि उनके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। और पॉइंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी आपको याद ना रहे तो। और मैं अभी भी बता देती हूँ कि जोकर के होंगे 0 पॉइंट्स, एके के 1 पॉइंट, 2 और 10 तक जो नंबर्स है वो नंबर्स के नंबर खुद के हिसाब से ही पॉइंट्स होंगे। जैसे 2 नंबर है तो उसके 2 पॉइंट्स, 5 नंबर है तो 5, 10 सी है तो उसके 10 पॉइंट्स, लाइक दैट। देन जे के होंगे 11 पॉइंट्स, क्वीन के 12 पॉइंट्स एंड किंग के 13 पॉइंट्स। तो एम हमारे यही रहेगा कि पत्ते जितने मिलेंगे आपको उसमें से आपको पत्ते के पॉइंट्स कम करने हैं। जैसे कि बादशाह के 13 पॉइंट्स है तो पहले बादशाह उतरना है। और आप डबल पैर में भी उतर सकते हो, जैसे कि 2 दस्सी आई है आपके पास तो दोनों दस्सी आप साथ में भी उतर सकते हो। फिर रोन होती है। रोन में क्या होगा कि अगर मुझे ये रोन आई, ये पहले से ही आई या फिर नहीं है, पहले से ही आई, तो ये होती है रोन कि तीनों हार्ट के क्यू जे और 10, क्योंकि वो लाइन में होता है के क्यू जे 10 9। वैसे तो ये लाइन में के नहीं है पर अब हमने क्यू से 10 तक स्टार्ट किया तो हम ये तीन उतर सकते हैं साथ में, लाइक दैट। और फिर उसमें जिसको लगता है जैसे कि प्लेयर 1 के पॉइंट्स सबसे कम है, उसे ऐसा लगता है कि हाँ चलो मुझे लगता है मेरे सबसे कम पॉइंट्स है, तो वो कर देगा डिक्लेयर। तो होगा ये कि उसके अगर है 7 पॉइंट्स बट प्लेयर और सबके उससे ज़्यादा है तो प्लेयर 1 के 0 ही पॉइंट्स लिखाएंगे और सबके जितने पॉइंट्स टोटल होंगे उसका वही टोटल होगा। पर अगर प्लेयर 1 के 7 है और प्लेयर 3 के भी समझ लो उसके भी 7 पॉइंट्स आए या उससे कम आए तो फिर प्लेयर 3 यानी कि जो प्लेयर का जिसने डिक्लेयर किया उससे कम पॉइंट है, कोई और प्लेयर जिसने डिक्लेयर किया उसके अलावा, तो उसके होंगे 0 और जिसने डिक्लेयर किया प्लेयर 1 ने तो उसके हो जाएंगे 3 पॉइंट्स। तो 7 के 3 होंगे 21, तो इसके लिखेंगे हम 21 पॉइंट्स और प्लेयर 3 के लिखेंगे 0। और आप लोग ज़्यादा लोग में खेल रहे हो तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि दो जन हो ऐसे कि जिसके प्लेयर 1 से कम पॉइंट्स हो वैसे। और आप पत्ते बांट सकते हैं, 5 पत्ते बांट सकते हैं, 7 पत्ते बांट सकते हैं या फिर 10 बांट सकते हैं। मिनिमम आप 5 बांट सकते हैं क्योंकि उससे कम फिर मज़ा नहीं आएगा खेलने का। और आप जितनी कैट चाहे, जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा कैट यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने देखा कि डिक्लेयर गेम में मिनिमम 5 कार्ड बांटे जाते हैं, सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट 5 कार्ड्स टू ईच प्लेयर्स। और मेरे पास ये एक सेट है 52 कार्ड्स का जिसमें एक जोकर इंक्लूडेड है, यानी कि 53 कार्ड्स है मेरे पास। तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट 5 कार्ड्स टू ईच प्लेयर। और गाइज इस गेम में एक बात ध्यान रखना कि डिक्लेयर करने से पहले आपको एक राउंड खेलना कंपलसरी है, यानी कि हर एक प्लेयर को एक गेम तो खेलना ही पड़ेगा। तो गाइज अभी सबको 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। तो अभी प्लेयर 1 के है ये कार्ड्स, प्लेयर 2 को ये कार्ड्स आए,
just see the player 3 has got. So player 3 has got these cards. And at last player 4. So player 4 ke hai ye cards. So pehle baar ye player 1 ki. तो प्लेयर वन में आप देख सकते हैं कि ना कि उसकी कोई पैर बन रही है ना कि कोई सीरीज बन रही है. तो इसमें जो सबसे भारी कार्ड है जो है जे यानी कि जैक, उसके होते हैं 11 पॉइंट्स. तो हम पहले वही डाल देंगे ताकि 11 पॉइंट्स कम हो जाए. तो अभी आया है 5, और 5 आने का ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम में वो 2-5 साथ में उतर सकता है जिसके पॉइंट्स टोटल 10 होंगे और उसके ज़्यादा पॉइंट्स कम हो जाए. और अभी प्लेयर 2 की चांस है. तो प्लेयर 2 की चांस में भी है, उसके पास सीरीज नहीं है पर एक पैर है जो है 8 की. तो उसके पास 2 8 है तो वो दोनों 8 साथ में डालेगा तो 16 पॉइंट्स उसके साथ में कम हो जाएंगे. तो उसे 10 आया है. ओके, तो अभी चांस है प्लेयर 3. तो प्लेयर 3 में तो कोई रोन नहीं बन रही है ना कि कोई पैर बन रही है. तो फिर सेम वो सबसे भारी कार्ड जो है क्वीन 12 पॉइंट्स वो उतर जाएगा और एक कार्ड उठाएगा जो उसे आया है 2. तो अभी प्लेयर 4 के पास पैर भी है और सीरीज भी है. अभी पैर में उसके पॉइंट्स होंगे 13+13 26 पॉइंट्स से कम होंगे पर सीरीज में उसके ज़्यादा पॉइंट्स कम होंगे. तो इसलिए उसे सीरीज उतरनी ज़्यादा अच्छी बेहतर रहेगी उसके लिए, क्योंकि सीरीज में उसके 36 पॉइंट्स कम होंगे और पैर में उसके सिर्फ 26 पॉइंट्स कम होंगे. तो वो पहले सीरीज उतर जाएगा के क्यू और जे यानी कि किंग क्वीन और जैक. तो अभी उसके है सिर्फ 3 कार्ड्स बचे हुए और एक ये के है जो नेक्स्ट चांस में उतर सकते. तो अभी यहाँ पे प्लेयर 1 के पास पैर में 5 है जो कि 10 पॉइंट्स उसके कम करता है. तो मैं दोनों 5 उतर जाऊंगी और ये एक 7 है तो 7 नेक्स्ट टाइम वो उतर सकता है दोनों साथ में तो उसके पॉइंट्स कम होते जाएंगे. तो अभी प्लेयर 2 की चांस है. प्लेयर 2 सबसे भारी कार्ड उतरेगा क्योंकि उसके पास ना ही पैर है ना ही सीरीज है अब तक. तो जैक सबसे भारी पत्ता था उसके पास तो उसने डाला और उसने एक पत्ता उठा लिया. अभी प्लेयर 3 की चांस है. तो प्लेयर 3 में भी सेम है कि उसके पास भी कोई पैर नहीं है या फिर कोई सीरीज नहीं है तो उसका सबसे भारी कार्ड है 8. सो वो 8 उतर जाएगा और एक कार्ड उठाएगा. तभी प्लेयर 4 की चांस. तो इसका सबसे भारी है किंग ऑफ हार्ट्स तो उसे ड्रा और क्वीन आई उसे. ओके, प्लेयर 1 के पास पैर है 7 की तो 14 पॉइंट्स उसके डायरेक्टली कम हो गए. तो अभी ऐसा मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि प्लेयर 1 डिक्लेयर कर सकता है उसके सिर्फ 13 पॉइंट्स हैं. और हाँ गाइस, आप ये भी ध्यान रखना कि कितने राउंड्स खेले गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग के आप 3rd राउंड में अगर डिक्लेयर करते हैं तो ये माइंडसेट से करना. अगर आपके सबसे कम है तो करना 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स तो भी चलेगा क्योंकि सबके सब में से क्वीन किंग सब ज़्यादा नहीं निकले होंगे. पर आपने अगर 7-8 राउंड ख़त्म होने के बाद डिक्लेयर किया तो एकदम आपके 1 या 2 या 3 ऐसे मिनिमम में से मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए क्योंकि सबके पास किंग और क्वीन तो निकल ही गया होगा लाइक दैट. तो सबके पास 5 और 6 या 4 और 3 बाकी होंगे तो उनके आपके पॉइंट्स मैच कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स आपसे कम हो सकते हैं. तो ये ध्यान रखना गेम खेलते हुए. तो अभी प्लेयर 2 10 उतरेगा, 10 ऑफ हार्ट्स बिकॉज वही सबसे भारी था उसके पास. तो उसे 6 आए. तो अभी प्लेयर 3 के पास सबसे भारी कार्ड है 7 ऑफ डायमंड तो वो उतरा और उसे 10 आया डायमंड्स का अगेन. तो अभी प्लेयर 4 क्वीन उतरेगा सबसे भारी कार्ड उसका और उसे एस आया है जो कि 1 पॉइंट्स का ही होता है. तो अभी प्लेयर 1
डिक्लेयर नहीं करेगा क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होगा किसके कार्ड्स कैसे हैं, तो फिर भी कोशिश करेगा अपने पॉइंट्स कम करने का। तो 9 ऑफ डायमंड्स उतर गया और अभी 6 आया, तो अभी 10 पॉइंट्स पे वो डिक्लेयर करने की कोशिश कर सकता है। ओके सो अभी प्लेयर 2 की चांस है और प्लेयर 2 9 वापस उतरा और उसने उठाया, तो उसे जोकर आया जिसके होते हैं 0 पॉइंट्स एज मेंशन बिफोर। तो प्लेयर 3 की चांस है, अब वो उतरेगा 10 एंड उठाएगा एक पर 3। और हाँ गाइज, अगर आपके ये उठाने वाले पत्ते अगर ख़त्म हो जाते हैं तो आप ये जो सबने जो डाले पत्ते हैं उसे वापस शफल करके यहाँ पे उल्टे रख सकते हैं। तो अभी प्लेयर 4 10 ही उतर जाएगा और लकीली उसे 8 आया। तो प्लेयर 1 को तो ये पता नहीं है कि इस प्लेयर 4 के भी 10 पॉइंट्स हैं। तो अभी प्लेयर 1 ने किया डिक्लेयर, तो उसके पॉइंट्स हैं 6 3 9 एंड 1 10। तो अभी प्लेयर 4 के भी 10 पॉइंट्स है, ये 10 1+1। सो व्हाट होगा क्या कि प्लेयर 1 के पॉइंट्स हो जाएंगे ट्रिपल, जो होगा 10 × 3 मीन्स प्लेयर 1 के पॉइंट्स होंगे 30 एंड प्लेयर 4 के पॉइंट्स होंगे 0। तो प्लेयर 2 के स्कोर्स होंगे 17 एंड प्लेयर प्लेयर 3 के स्कोर्स प्लेयर 3 के स्कोर्स होंगे 19। तो गाइज, मैंने 3 गेम्स खेला और उसके फॉलोइंग स्कोर्स थे। तो प्लेयर 1 का टोटल हुआ है 56, प्लेयर 2 का हुआ है 23, प्लेयर 3 का हुआ है 45 और प्लेयर 4 का हुआ है 26। तो प्लेयर 4 सिर्फ 3 पॉइंट से सेकेंड आया है और प्लेयर 3 है थर्ड। तो उन लोगों का तो कोई काम ही नहीं है, बट प्लेयर 2 इज़ द विनर एंड प्लेयर 1 इज़ द लूजर, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स और इसके सबसे कम पॉइंट्स। तो गाइस, आई होप कि आप लोग गेम समझ गए होंगे, और अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग समझ गए या नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल व्लॉगर्स हब। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।